Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. So the article that we'll be studying today is about Pakistan Hobbesian nightmare. It was written by Shahid Mahmood Mahmood and it was published on June 21, 2024. So this is the opinion of Dawn Daily Dawn. And basically जो इस हेडलाइन है पाकिस्तान्स हॉब्सियन नाइटमेयर हॉब्सियन इट इज़ रेफरिंग टू द पॉलिटिकल फिलोसफर इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर थॉमस हॉब्स हु बेसिकली प्रेजेंटेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि जो स्टेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं बेसिकली हॉब्स ने की ज़्यादा जो है समझी जाती हैं बिकॉज मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर आफ्टर मैकियावेली इट वाज हॉब्स हु प्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ नेचर एंड टॉक्ड अबाउट द स्टेट नेसेसरी सिक्योरिटी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट एंड ही प्रेजेंटेड अ वेरी फेमस बुक थी उनकी लेवाइथन बेसिकली जिसका मतलब था द सॉवरन रूलर वैसे लेवाइथन का मतलब है द मॉन्स्टर ठीक है मॉन्स्टर इसका मतलब है लेकिन किताब का जो नाम था इस इट वाज रेफरिंग टू द सॉवरन रूलर ठीक है एब्सोल्यूट रूलर और नाइटमेयर जो है एक बहुत बुरे ख्वाब को कहते हैं तो राइटर कहते हैं यहाँ पे जो अपने आर्टिकल से शुरू करते हैं वो कहते हैं कि नेशन स्टेट की का बैकग्राउंड देते हैं कि इटली से शुरू हुआ सिटी स्टेट से शुरू हुआ चर्च और इस तरह की चीज़ों से स्कॉलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और इन चीज़ों से शुरू करते हैं अपनी बात बट देन ही कम्स टूवर्ड्स निकोलो मैकियावेली मैकियावेली की एग्जांपल देते वक्त क्योंकि उन्होंने बहुत फेमस काम किया था द प्रिंस उनकी एक बहुत फेमस किताब थी ही सेलिब्रेटेड फॉर दैट और प्रिंस जो है ये फ्लोरेंटाइन के डिप्लोमेट थे फ्लोरेंटाइन इट वाज अ सिटी इट इज़ अ सिटी इन इटली और पॉलिटिकल एडवाइज़र भी थे तो उन्होंने रीज़न दिया स्टेट का कि एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट तो होनी चाहिए लेकिन दे द प्रिंस जो है प्रिंस जो रूलर होता है वो अपने सब्जेक्ट्स को इनक्रेज करे अपने लोगों को इनक्रेज करे सिटीजन्स को कि वो उसको पावर दें ठीक है टू परसू देयर कॉल ठीक है और सेम फिलॉसफी वॉज प्रेजेंटेड बाय थॉमस हॉब्स उसने कहा कि सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक प्रॉपर इंसेंटिव होना चाहिए और एक पर्टिकुलर पर्सन के पास पावर होनी चाहिए सो एज टू मेंटेन एंड मेंटेन द लेजिटिमेसी ऑफ द होल गवर्नमेंट ठीक है और क्योंकि अगर एक बंदे के पास सिक्योरिटी होगी हु इज़ रूलिंग हु इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी होगा राइट टू लाइफ भी होगा अदरवाइज इफ दीज थिंग्स आर नॉट मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड तो वो फिर कहते हैं कि लाइफ वुड बी शॉर्ट नास्टी ब्रूटिश कनिंग ठीक है मतलब बुरी लाइफ होगी तो निकोलो मैकियावेली के बाद द राइटर डायरेक्टली कम्स टूवर्ड्स थॉमस हॉब्स एंड देन ही कम्स टूवर्ड्स एडम स्मिथ सो एडम स्मिथ ही वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड एडम स्मिथ जो है उन्होंने ये ही सेलिब्रेटेड फॉर ही इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ठीक है तो इन्होंने ये लफ्ज निकाला था economy he basically coined this term and he's father of the subject economy aur economics ka jitna bhi hai so inhone foundational work uska bataya tha to nicolo machiavelli aur thomas hobbes ne jitni bhi baatein kahi hui hain apni philosophy mein the same is said and reiterated by adam smith as well but in different words theek hai matlab concepts idhar udhar ho sakte hain lekin adam smith ki bhi jo philosophy thi that was very much similar to the philosophy of Machiavelli and Thomas Hobbes. Then Hobbesian nightmare का पाकिस्तान को इस reference में बताते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है security it is not promised. ठीक है promised security नहीं है एक इंसान की एक normal citizen की he is not safe in the boundaries of Pakistan within the territories. ठीक है उसकी life को threat है उसकी प्रॉपर्टी को थ्रेट है उसकी फैमिली को थ्रेट है एक नॉर्मल सिटीजन की फैमिली को थ्रेट है उसकी इज्जत आप लोग कह दें उसकी कुछ भी जो है उसकी सिक्योरिटी जो है
नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में एक आम सिटीजन की सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि फैमिली डेंजर में है, लाइफ डेंजर में है, प्रॉपर्टी डेंजर में है, तो इट इज़ अ नाइटमेयर। पाकिस्तान की जो हॉब्स ने जो बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था, दैट एवरीबडी वॉज हैविंग अ फाइट अगेंस्ट एवरीबडी, स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स ने ये प्रेजेंट किया था, एक चीज़ फिलोसफी प्रेजेंट की थी कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर नथिंग इज गारंटीड, ठीक है, लाइफ नहीं है वहाँ पे सेफ, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी, कुछ भी सेफ नहीं है, एंड एवरीबडी वॉज हैविंग अ फाइट, एवरीबडी वॉज हैविंग अ वॉर विद एवरीवन, ठीक है। सो लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज अकॉर्डिंग टू हॉब्स, ही सेड दैट इट वॉज ब्रूटिश, कनिंग, इट वॉज शॉर्ट, इट वॉज नैस्टी, ठीक है। अब ये सारा किस्सा जो है पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज नो लोकल सिटीजन, एन ऑर्डिनरी सिटीजन इज नॉट फ्री, ही इज नॉट, ही कैंट रोम अराउंड फ्रीली, ही डजेंट हैव लाइफ गारंटी, ही डजेंट हैव प्रॉपर्टी गारंटी। तो यहाँ पे जो है राइटर अपनी एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पर ईद उल फितर की एग्जाम्पल देते हैं कि इतने ज़्यादा क्राइम रिकॉर्ड किया गया है ड्यूरिंग बिफोर ईद उल फितर इस्लामाबाद में, विच इज़ द फेडरल कैपिटल, तो वहाँ पे विटनेस किया गया रिकॉर्ड क्राइम, लेकिन ये फिर भी छोटा है, इस्लामाबाद में जो हुआ ये छोटा है, वट इज़ हैपनिंग इन कराची, इन लाहौर, इन पेशावर, पीपल आर बींग किल्ड विदाउट बींग क्वेश्चन, के उनको पता ही नहीं है कि आम लोग क्यों मर रहे हैं, कोई आता है उठा के मार लेता है, कोई गाड़ी आती है उनको किडनैप कर लेती है, स्मॉल गर्ल्स, वुमेंस, दे आर नॉट सिक्योर, दे आर बींग रेप्ड एवरी एवरी मोमेंट, यू जस्ट टर्न ऑन द सोशल मीडिया एंड यू गेट द न्यूज़ अबाउट सच हॉरिफिक इंसिडेंट्स। सो ये जो हीनियस क्राइम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो है 2000 द इट्स एंटायर पुलिस फोर्स एंड मोर देन 2000 सेफ सिटीज कैमराज कुड डू नथिंग टू स्टॉप। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, दैट वी एज पाकिस्तानीज आर नॉट सिक्योर इन आवर ओन कंट्री, ठीक है। बाहर के जो आएंगे टूरिस्ट और ये लोग बाहर के जो फॉरेनर्स आएंगे, तो हाउ कैन दे बी इंश्योर्ड के वो सेफ हैं, व्हाट इज़ द गारंटी, देयर इज़ नो गारंटी, ठीक है। तो फिर जो है इसमें बताया गया है, इस अब दिस आर्टिकल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ़ यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान रिलेटेड टू सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड लेजिटिमेसी गवर्नेंस, ठीक है। तो राइटर जो है यहाँ पर एक रेफरेंस देते हैं जो कि है आइड, वेट लेट मी मेक दिस ऑल स्पेस क्लियर सो दैट आई कैन राइट इट फॉर यू पीपल। तो राइटर जो है अपने इसके अंदर इधर इस पैराग्राफ में बेसिकली वो कहते हैं PIDE आइड प्राइम टैक्स रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट, इसकी एग्जांपल देते हैं और कहा है कि ये चीज़ जो है इसकी अकॉर्डिंग टू दिस द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो है एक ऑप्रेसिव टैक्स बर्डन है ऑन द लोकल पीपल, ऑन द पुअर पीपल। ऑब्वियसली वी आर ऑल आर पुअर्स, हम तो अब मिडिल क्लास भी नहीं है, वी आर हार्डली स्ट्रगलिंग विद आवर लाइफ, वी आर सो मच इंडल्ज्ड इन दिस डेट ट्रैप, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा जो है कर्जा हुकूमत लेती है और हमारे ऊपर जो है टैक्स इम्पोज किया जाता है, एंड इट्स गेट्स इंक्रीज डे ईयर बाई ईयर, मंथ बाय मंथ। तो देन द राइटर इज टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, यहाँ पे एक राइटर ने एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी है इस पैराग्राफ के नीचे, एंड ही रेफर्स टू अ पर्सन जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और पाकिस्तान ने उसकी कदर नहीं की, डॉक्टर वेट डॉक्टर अब्दुस सलाम।
ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए नोबेल प्राइज भी जीता था। और पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या किया था कि ये बेसिकली डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं ये फर्स्ट पाकिस्तानी और फर्स्ट मुस्लिम नोबेल प्राइज विनर हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की पाकिस्तान को एंड कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। और लेकिन क्या हुआ इस इन इन इस बंदे के साथ कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है पाकिस्तान छोड़ दिया था, और पाकिस्तान इसलिए छोड़ दिया था एंड इवन ही इज़ नोन एज अ साइंटिफिक फादर। ठीक है, 1970 फिर 1974 में डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं पाकिस्तान को छोड़ के चले जाते हैं। और पाकिस्तान को इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो है प्रोटेस्ट के बाद एक बिल पास किया होता है यूनानिमसली, दैट वाज रिलेटेड टू अहमदियाज। मतलब कि अहमदियाज पहले मुसलमान थे, बाद में इसको नॉन मुस्लिम की कैटेगरी में डाला गया, तो इसलिए वो जो है इसको छोड़कर चले गए थे। सो हेयर आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट कि अगर हम देखें तो वी आर सो मच इंडल्ज्ड इन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पे एक ये पॉइंट भी आता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में फंसा हुआ है। क्रिश्चियंस के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा जो है इट इज़ अ पॉइंट टू थिंक ऑन के क्रिश्चियंस के साथ, हमारे माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसके अंदर जो वाइट पोर्शन है वो क्लियरली इंडिकेट करता है अबाउट माइनॉरिटीज, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, सिख कम्युनिटी के साथ क्या होता है, एवरी डे देयर इज अ न्यू न्यूज अबाउट माइनॉरिटीज। ठीक है, कि क्या हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, तो हम क्रिश्चियंस के घर जला देते हैं, हम उनको मार देते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ डिस्कस्ड इन दिस ओपिनियन। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आई मस्ट से के शाहिद महमूद ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। ही रेफर टू वेरियस फिलोसफर्स, ही रेफर टू प्राइड प्राइम टैक्स कमीशन रिपोर्ट के पाकिस्तान में कितना ज़्यादा टैक्स बर्डन है स्टेट की तरफ से लोकल्स के ऊपर, एंड देन ही टॉक्स अबाउट डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो वो कहते हैं कि क्या ये चीज़ सब चीज़ें हैं जो पाकिस्तान कर रहा है अपने लोगों के साथ, इज़ दिस व्हाट दे डिज़र्व इन द एंड, इज़ दिस व्हाट द लोकल्स डिज़र्व इन द एंड। तो वो बाद में कहते हैं कि ऐसे सच इन्वायरमेंट में जहाँ पे दुबई लीक्स की बात की गई है, हमारे लीडर्स जो हैं दुबई BAI, दुबई लीक्स जो हैं और हमारे लीडर्स कितनी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, डूबियस मैनर में, दे आर अर्निंग वेल्थ थ्रू डूबियस मैनर। तो मतलब हम एक एक लोकल इंसान की जो है लिविंग की लेजिटिमेसी ही नहीं है, देर इज़ नो कॉन्फिडेंस, देर इज़ नो गारंटी कि एक आम बंदा अपनी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है, एक मिडिल क्लास बंदा अपनी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है, वो घर खरीदता है, ही इज़ बाइंग अ न्यू मोबाइल फॉर हिमसेल्फ, ही इज़ बाइंग लैपटॉप, एवरी डे ही गोज आउट एंड ही इज़ वेरी मच अनसर्टेन एंड नॉट श्योर व्हाट विल हैपन विद हिम इन द नेक्स्ट वेरी मोमेंट। ठीक है, तो इसके बाद जो है उससे मोबाइल स्नैच हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो है इन द रिसेंट ईयर हाईएस्ट क्राइम रेट रिकॉर्ड किया गया है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो डेकेड से जो है ये हो रहा है एंड इवेंचुअली अगर एक इंसान की सिक्योरिटी ही इंश्योर नहीं है, गारंटी नहीं है, सो इट विल लीड टू ब्रेन ड्रेन। अब आप सबको पता होगा कि ब्रेन ड्रेन में क्या मतलब है, ब्रेन ड्रेन का, ब्रेन ड्रेन का ये मतलब है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी काबिल लोग हैं, दे आर गोइंग आउट, दे आर लीविंग पाकिस्तान जस्ट फॉर देयर सो दैट दे कैन सर्वाइव इन अनदर कंट्री। क्योंकि यहाँ पर तो ना लाइफ गारंटी है, ना प्रॉपर्टी गारंटीड है, ना फैमिली की सिक्योरिटी गारंटीड है, नोबडी इज सेफ हेयर, नॉट इवन अ गर्ल, अ बॉय, अ मैन, अ वुमन, अ फीमेल, अ मेल। ठीक है, तो ये चीज़ें ये चीज़ें हैं इस आर्टिकल के अंदर। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इट इज़ अ हॉब्सियन नाइटमेयर, और हॉब्स क्योंकि जज्बात से बहुत डरता था कि स्टेट स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो लाइफ थी वो ब्रूटिश थी, वो शॉर्ट थी, कनिंग थी, इट वाज नेस्टी।
तो ये सब पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पा रही। तो बाद में सो लेट्स बिगिन। अब तो मैं सारा क्रक्स ऑलमोस्ट आपको बता चुकी हूँ इधर, लेकिन वो यहाँ पे एक बात कहते हैं कि द प्रोफाउंड रिपरकशन ऑफ एन अनसेफ रिस्की पाकिस्तान आर हार्डली अंडरस्टूड, लाइक दीज थिंग्स आर नॉट बीइंग क्वेश्चन, दीज थिंग्स आर नॉट बीइंग आर्ग्यूड। इनको अगर सोशल मीडिया पे आ भी जाएं ये चीज़ें तो इसका कुछ नहीं होता। आफ्टर अ डे और टू एवरीथिंग इज़ फॉरगॉटन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्रिटिक प्रेजेंट करता है आर्टिकल, लेट्स कम टुवर्ड्स द मेन क्रक्स। तो क्रिटिक प्रेजेंट करता है करंट स्टेट ऑफ गवर्नेंस की। इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन अवर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, क्या स्टेट ऑफ गवर्नेंस इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान के अंदर। आर्ग्यू कर रहा है कि नेशन हैज़ डेविएटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, वी आर नॉट ऑन द राइट पाथ। तो इट इज़ इन्वेजन एज इन्वेजन बाय द क्लासिकल पोलिटिकल फिलोसफर्स लाइक निकोलो मैकियावेली एंड थॉमस हॉब्स। आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो सेंट्रल थीम यही है कि पाकिस्तान जो है इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ फेलिंग, ठीक है। ये फेल कर रहा है, वी हैव फेल्ड टू प्रोवाइड द बेसिक सिक्योरिटी कंडीशंस नेसेसरी फॉर इट्स सिटीजन्स, ठीक है, टू थ्राइव, लीडिंग टू द वाइड स्प्रेड डिसल्यूजनमेंट एंड मिसट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। लास्ट अपने आर्टिकल में आर्टिकल था वॉज अबाउट अवर डिजिटल लिबर्टी, अवर डिजिटल लिबर्टी, नो नॉट ऑन और डिजिटल लिबर्टी। मैंने अपनी एक अभी जो रिसेंटली कल परसों वीडियो अपलोड की है उसके अंदर द आर्टिकल वॉज अबाउट मलिहा लोधी का आर्टिकल था, मलिहा लोधी का आर्टिकल था, इट वॉज ऑन लीडरशिप, लीडरशिप क्राइसिस एंड शी टॉक्ड अबाउट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने एक सर्वे का बताया और सर्वे मैंने डिस्कस भी किया था। वो सर्वे जो था इट वाज अबाउट इप्सिस सर्वे, जिसमें 82% पाकिस्तानी जो हैं दे आर वेरी मच दे आर नॉट हैविंग ट्रस्ट इन पाकिस्तान गवर्नमेंट, दे आर नॉट दे थॉट दैट 82% ऑफ द पाकिस्तानीज वर थिंकिंग दैट द स्टेट इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। सो इट वॉज मिसट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, लोकल्स का जो सिटीजन्स का मिसट्रस्ट था इन द गवर्नमेंट, ठीक है। सो मेन फोकस ऑफ द आर्टिकल यही है, मेन फोकस ऑफ द आर्टिकल के इनसिक्योरिटीज है, हाई क्राइम रेट्स है, इन इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट है, इकोनॉमिक बर्डन है लोगों के ऊपर, स्ट्रेन मतलब बर्डन, ठीक है, बर्डन है लोगों के ऊपर, ऑप्रेसिव टैक्सेस हैं, लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी है, राइट्स वॉयलेशन है, मैं बता चुकी हूँ, सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, लैक ऑफ रिवॉर्ड फॉर टैलेंट, तो हम वो डिस्कस कर चुके हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम की जो एग्जाम्पल थी। तो कैपिटल फ्लाइट एंड ब्रेन ड्रेन है, इधर मैं बता चुकी हूँ कि मतलब इंटेलेक्चुअल और काबिल लोग जो है दे आर लीविंग पाकिस्तान फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अब्रॉड, ठीक है। लेजिटिमेसी क्राइसिस है कि पाकिस्तान के जो सिटीजन्स है दे आर नॉट हैविंग ट्रस्ट इन द स्टेट स्टेबिलिटी, के वो ठीक फंक्शन नहीं कर रहा। तो वो जो राइटर अकॉर्डिंग टू द राइटर पाकिस्तान का जो स्टेट है व्हाट इज इट्स गोइंग थ्रू, सिक्योरिटी और गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा इशू है, पाकिस्तान फेल कर रहा है टू प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटी जो कि एक ह्यूमन की है, इट इज़ राइट टू लाइफ, राइट टू, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो है राइट्स वॉयलेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, जो कि मैं इधर डिस्कस कर चुकी हूँ कि पुअर एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल राइट्स, इवन राइट टू लाइफ इज़ नॉट गारंटीड। तो फिर हाई क्राइम रेट्स हैं, राइजिंग सिटीज़ लाइक इस्लामाबाद एंड कराची, ठीक है, इन इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट है और प्रेवलेंस ऑफ क्राइम कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल राइट्स के प्रॉपर्टी भी जो है, इफ़ अ पर्सन इज़ बाइंग मोबाइल लैपटॉप, उसके पास पैसे होते हैं जेब में, ही गोज़ आउट, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ही गोज़ आउट
एंड ही इज अनअवेयर, ही इज नॉट श्योर व्हाट इज गोना हैपन द नेक्स्ट मोमेंट. तो द नेक्स्ट वेरी मोमेंट पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि उससे मोबाइल स्नैच हो जाता है, और इवन इन एवरी सिंगल स्ट्रीट दिस क्राइम इज प्रिवेलिंग एंड देयर इज नो वन टू नोटिस अबाउट दीज थिंग्स, देयर इज नो वन टू टेक एक्शन ऑन दीज थिंग्स. सो वी डिस्कस द सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, वी डिस्कस द प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल राइट्स, दैट देयर आर नो नो राइट्स, देयर इज नो लैक, देयर इज नो, देयर इज सिग्निफिकेंट लैक ऑफ एनफोर्समेंट. देन टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर द आर्टिकल क्रिटिसाइज द स्टेट्स ऑप्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. ठीक है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं फाइनेंशियली, सिटीजन्स आर वेरी मच एग्रीवेटेड. ठीक है, फिर रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की जो बात की गई है कि दैट देयर इज़ नो रिकग्निशन, ये है डॉक्टर अब्दुल सलाम हु वॉन द नोबेल प्राइज एंड ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन अ नोबेल प्राइज फॉर पाकिस्तान. ठीक है, तो इनको क्या अप्रिसिएशन नहीं है, लैक ऑफ अप्रिसिएशन है पाकिस्तान के अंदर फॉर टैलेंट एंड अचीवमेंट. फिर जो है लेजिटिमेसी क्राइसिस है कि पाकिस्तान जो है इट इज़ फेसिंग लेजिटिमेसी क्राइसिस. ठीक है, सिटीजन्स को ट्रस्ट नहीं है, दे आर हैविंग नो ट्रस्ट इन द स्टेट्स एबिलिटी टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, और कोई कंड्यूसिव मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है. एवरी डे समथिंग इज हैपनिंग नेगेटिव. ठीक है, और फिर जो है ब्रेन इवेंचुअली, क्योंकि ये सब चीज़ें लैक हैं, लॉस ट्रस्ट इन द स्टेट्स एबिलिटी, तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इवेंचुअली और लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं. गवर्नमेंट इन इफेक्टिवनेस है, तो गवर्नमेंट की जो इन इफेक्टिवनेस है कि वो कुछ नहीं कर रही, तो आर्टिकल जो है वो इस पे कंक्लूड हो रहा है कि पाकिस्तान इज़ एक्सपीरियंसिंग हॉब्सियन नाइटमेयर, जो जिससे हॉब्स डर रहा था कि अगर स्टेट ऑफ नेचर से हम ना निकले तो लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. तो वेयर द फियर्स आर्टिकुलेटेड बाई हॉब्स अबाउट लाइफ बींग क्योटिक, लाइफ बींग इन डेंजर, तो वो अब रियलाइज हो रही है कि पाकिस्तान तो बेसिकली हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में है. इट इज़ फेलिंग टू एक्ट एज अ प्रोडक्टिव फोर्स, जो कि हॉब्स ने ही इन्वेजन. ठीक है, सो इट लीडिंग टू द वाइड स्प्रेड डिसोल्यूशमेंट एमंग इट्स सिटीजन्स. सो दिस वॉज ऑल, आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल बी कमिंग अप विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर सीरीज एंड डॉन ओपिनियंस. सो टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़.